नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं, कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, पटना के राबड़ी आवास पर बैठकर सिंबल बांट रहे हैं। 40 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होना है। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए में है, तो इंडिया अलायंस में आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों को सिंबल थमा दिया है और इस वक्त जो हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने 10 लोगों का टिकट कंफर्म कर दिया है। लोकसभा के चुनाव में 10 लोगों की उम्मीदवारी फाइनल मानी जा रही है इस लोकसभा के चुनाव में आरजेडी से। अब तक आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास जो उम्मीदवारों की लिस्ट पहुंची है, जो बायोडाटा पहुंचे हैं, उसमें से लालू प्रसाद यादव चुन चुन कर नामों पर मुहर लगा रहे हैं। बारीकी से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सबकी बैकग्राउंड भी खंगाल रहे हैं। बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चारों सीटों पर अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। लालू प्रसाद यादव ने 10 कैंडिडेट का नाम फाइनल किया है। हमारे पास इस वक्त वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिन कैंडिडेट का नाम फाइनल किया है उनके नाम इस वक्त आ गए हैं। और शुरुआत पहले चरण के 4 उम्मीदवारों से ही करते हैं। देखिए, पहले चरण में बिहार के गया में वोटिंग होनी है। मुकाबला यहां जीतन राम मांझी से होगा, आरजेडी के कैंडिडेट का, और आरजेडी ने गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है कुमार सर्वजीत को, बोधगया से विधायक हैं। देखिए, कुमार सर्वजीत का कुनबा मजबूत होगा या फिर चुनावी रण में वो पछाड़ खा जाएंगे जीतन राम मांझी के हाथों, ये चुनाव के नतीजे आएंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन औरंगाबाद से, जहां से कांग्रेस की दावेदारी थी, लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को सिंबल थमाया है। जेडीयू के पूर्व विधायक हैं टिकारी से, और जेडीयू छोड़कर जैसे ही आरजेडी में आए लालू यादव का आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद स्वरूप लालू यादव ने सिंबल भी हाथ में दे दिया। नवादा श्रवण कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने के लिए सिंबल देकर भेज चुके हैं। श्रवण कुशवाहा की दावेदारी थी और वहां से विनोद यादव की भी, जो राजबल्लभ यादव के छोटे भाई हैं। यहां पर लालू प्रसाद यादव ने टिकट फाइनल किया है श्रवण कुशवाहा का। जमुई से अर्चना रविदास महिला हैं, चुनावी मैदान में उतारा है लालू यादव ने, सिंबल देकर भेज दिया है। सारण से रोहिणी आचार्य का टिकट भी लालू प्रसाद यादव ने फाइनल कर दिया है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं और अपने पिता को किडनी डोनेट कर रोहिणी ने अपने पिता की जान बचाई थी। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश भर से रोहिणी को दुआएं मिली थी, एक पिता के लिए एक बेटी के समर्पण का प्यार दिखा था। और बेटी को लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में छपरा लोकसभा सीट से लड़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी टिकट आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फाइनल कर दिया है। पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती, जो बड़ी बेटी है, वो चुनाव लड़ेगी और यहां मुकाबला होना है राम कृपाल यादव से। बीजेपी के कैंडिडेट हैं राम कृपाल यादव। चुनावी मैदान में चाचा और भतीजी के बीच टक्कर होना है, तो सबसे बड़ी बात की देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी रण में चाचा जीतते हैं या भतीजी। बक्सर से सुधाकर सिंह, रामगढ़ के विधायक, जगदानंद सिंह के बेटे, किसानों के नेता, उनका टिकट फाइनल किया है तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बक्सर लोकसभा सीट से। बक्सर लोकसभा सीट पर सुधाकर सिंह भिड़ेंगे अश्विनी चौबे के साथ। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव का टिकट फाइनल हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोटों से चुनाव हारने वाले सुरेंद्र यादव हैं। 1751 वोटों से ये चुनावी मैदान में पछाड़ खा गए थे जेडीयू के कैंडिडेट से। लेकिन इस बार ये तय माना जा रहा है कि सुरेंद्र यादव का टिकट भी लालू यादव ने फाइनल कर दिया है। मुंगेर से अनीता देवी का टिकट कंफर्म सिंबल मिल चुका है। और अनीता देवी के बारे में आप जानते हैं, 2-3 दिनों पहले ही
बाहुबली अशोक महतो से इनकी शादी हुई है। कुख्यात माने जाते हैं अशोक महतो, गैंगस्टर रहे हैं, 17 सालों बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद 55 साल की उम्र में अशोक महतो ने शादी की कुमारी अनीता देवी के साथ, और शादी के बाद अनीता देवी को गिफ्ट के तौर पर लालू यादव ने आंचल में मुंगेर लोकसभा सीट का टिकट थमा दिया है। अनीता देवी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बेटी हैं, इस लिहाज से नीतीश कुमार के कैंडिडेट ललन सिंह के खिलाफ लालू यादव ने तगड़ा मोर्चाबंदी की है अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतार कर। तो ये 10 वो कैंडिडेट हैं जिनका टिकट लालू प्रसाद यादव ने फाइनल कर दिया है। अब इन्हें चुनावी मैदान में भेज दिया गया है। आगे जो लिस्ट आ रही है उस पर भी हमारी नजर है। सबसे पहले आपको बताने की सबसे ज्यादा कोशिश है। फिलहाल अपडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।